हेलो स्टूडेंट्स हम प्रेजेंटली थर्ड यूनिट स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक स्टडी किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग क्वाइल एंड uh, ये जो टॉपिक था हमारा इट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल इन मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर तो आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो कोशिश करेंगे समझ में आए तो देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर तो देखो टॉपिक है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर लेंदी टॉपिक है काफ़ी बार क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में भी तो लेंदी टॉपिक है तो हम अलग अलग हैडिंग्स बना के स्टडी करेंगे तो देखिए पेज को सेपरेट कर लेते हैं एंड फर्स्ट हेडिंग बनेगी मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर नेक्स्ट हेडिंग बनेगी आपकी प्रिंसिपल प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी आपकी डायग्राम और बेटा डायग्राम के साथ साथ चलेगी आपकी कंस्ट्रक्शन 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 के बाद नेक्स्ट आएगी वर्किंग और वर्किंग के बाद नेक्स्ट आएगा आपका थ्योरी क्लियर थ्योरी के बाद एक आएगा करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी तो हम हर एक हेडिंग को स्टडी करते जाएंगे पहले एक बार यहां तक देखते हैं देखें गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका काम होता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना तो चाहे कोई कैसा भी गैल्वेनोमीटर हो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर हो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर हो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो काफ़ी टाइप के होते हैं गैल्वेनोमीटर तो जो कोई भी गैल्वेनोमीटर होगा उसका काम क्या होगा टू मेज़र द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में क्या बताओगे इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट बोल दो या इट इज़ द डिवाइस बोल दो तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में क्या बताओगे इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र इट इज द इंस्ट्रूमेंट इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मैजर विच इज यूजड टू मैजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पहली हैडिंग क्लियर हुई कि मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका काम क्या है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना तो फर्स्ट हेडिंग में कोई डाउट नहीं है जब भी किसी भी टाइप के गैल्वेनोमीटर की बात करें सबसे पहला स्टेप वेल क्लियर होगा कि मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेज़र द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फिर आई प्रिंसिपल की बात अब समझिए प्रिंसिपल में क्या है कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है आ, कल वाला टॉपिक क्या था दो बातें थी दो बातें क्या थी सबसे फर्स्ट पॉइंट समझिए क्वाइल हो क्वाइल में करंट फ्लो कर रहा हो और क्वाइल को प्लेस किया गया हो इन ए मैग्नेटिक फील्ड अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब क्वाइल पे क्या एक्ट करेगा टोर्क एक्ट करेगा क्वाइल क्या करना शुरू कर देगी रोटेट करना शुरू कर देगी क्लियर तीन कंडीशन होनी चाहिए क्वाइल करंट फ्लो कर रहा हो और क्वाइल को कहां रखा गया हो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो क्योंकि हमने जो कल क्वेश्चन था वो क्या था कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग क्वाइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड तो इसका मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है व्हेन ए करंट कैरिंग क्वाइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट स्टार्ट रोटेटिंग दैट इज टॉर्क एक्ट ऑन इट क्लियर तो देखिए आपका प्रिंसिपल क्या आया It works on the basis that a current carrying coil, it works on the basis that a current carrying coil, when placed in a magnetic field. प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैन टोर्क एक्ट ऑन इट टोर्क एक्ट ऑन इट दैट इज स्टार्ट रोटेटिंग दैट इज स्टार्ट रोटेटिंग क्लियर जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करना शुरू कर देगी इसके ऊपर टोर्क एक्ट करेगा एंड इट स्टार्ट रोटेटिंग रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे क्लियर फिर आपती है डायग्राम की बात अब मेरी बात समझिए आपका जो डायग्राम है वो डायग्राम और कंस्ट्रक्शन दोनों साथ साथ चलेंगी कभी भी फिजिक्स में आप ये मान लीजिए कंस्ट्रक्शन क्या होती है जो आपने डायग्राम में जो चीज़ ड्रा की है जो भी बनाया है वो आपका क्या होता है सेम पॉइंट कंस्ट्रक्शंस में रिपीट करने हैं तो कंस्ट्रक्शन एक थियोरिटिकल पोर्शन है आप अपनी लैंग्वेज में अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं या जो बुक में लिखा हुआ है वही करेक्ट है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो डायग्राम एक बार पहले रफली बना लेते हैं समझिए है। सबसे पहले क्या है कंसीडर ए रेक्टेंगुलर क्वाइल पी क्यू आर एस बेटागुलर क्वाइल कंसीडर करेंगे पी क्यू आर एंड एस क्लियर हो गया हमने एक रेक्टेंगुलर क्वाइल कंसीडर कर ली रेक्टेंगुलर क्वाइल को नाम दे दिया पी क्यू आर एंड एस क्लियर इस रेक्टेंगुलर क्वाइल को सस्पेंड कर दिया बाय यूजिंग द फोस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप अब ये समझिए फोस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप क्या है बेटा क्वाइल रोटेट करेगी तो ये जो फोस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है इसका रेस्टोरिंग टॉर्क सबसे कम होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बात अज्यूम कीजिए आप मान लीजिए किसी पेन को आ, किसी थ्रेड से हैंग करते हैं और पेन को रोटेट करते जाते हैं रोटेट करते जाते हैं और फिर अगर छोड़ते हैं तो थ्रेड क्या करता है पेन को वापस रोटेट बैक करता है इसका मतलब थ्रेड ने क्या लगाया पेन पे रेस्टोरिंग टॉर्क लगाया तो सेम कंडीशन है बेटा अगर क्वाइल रोटेट करेगी तो इसके अंदर ट्विस्ट होते जाएंगे और जैसे ही आप अगर रोटेट करना बंद करोगे तो वापस घूम के आएगा तो ये होता है रेस्टोरिंग टॉर्क तो आपकी जो फोस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप होती है दैट इज फोस्फर ब्रोंज स्ट्रिप ये फोस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्या करेगी आपको मिनिमम रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी और इसको मैंने टोरोजन हेड से टोरोजन हेड एच से सस्पेंड कर दिया अब क्या है दूसरे वाले किनारे पे एक स्प्रिंग लगाया जाता है एस डेस। क्लियर उसके बाद क्या बताओगे एक स्ट्रॉन्ग और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ये एक पॉइंट समझिए स्ट्रांग एंड रेडियल बेटा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा उतनी ही मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी और इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एंड रेडियल का मतलब क्या होता है क्वाइल कहीं भी रोटेट करके चली जाए किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके चली जाए क्वाइल के प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा ज़ीरो और इसलिए स्ट्रॉन्ग और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए कॉनकेव शेप के देखो जनरली हम नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे शो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाए हैं कॉनकेव शेप के नॉर्थ पोल और साउथ पोल यूज़ किए हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो सके स्ट्रॉन्ग हो सके और रेडियल हो सके इसके अलावा एक सॉफ़्ट आयरन कोर यूज़ कर दिया सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर प्लेस कर देते हैं वो एक सॉफ्ट आयरन कोर की तरह काम करेगा क्लियर उसके बाद क्या है यहां से टर्मिनल T1 जोड़ दिया जाता है और एसडेस से आपका टर्मिनल T2 जोड़ दिया जाता है क्लियर दो टर्मिनल हो गए T1 और T2, एंड ऑल दिस अरेंजमेंट इज कैरीड आउट इनसाइड द बॉक्स और ये सारी की सारी अरेंजमेंट कहाँ कैरीड आउट की जाती है बेटा बॉक्स के अंदर कैरीड आउट की जाती है रीडिंग मेजर करने के लिए यहां पे एक लगा दिया जाता है मीटर एम क्लियर यहाँ पे क्या लगा दिया गया एक मीटर एम लगा दिया गया तो कंस्ट्रक्शन उसी बेस पे आ जाएगी तो देखना एक बार फेयर डायग्राम बना रहे हैं देखेंगे सबसे पहले क्या कहेंगे सबसे पहले कहेंगे कंसीडर ए रेक्टेंगुलर क्वाइल पी क्यू आर एस सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर क्वाइल कंसीडर करते हैं पी क्यू आर एंड एस विच हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स तो देखना हमने ये सबसे पहले रेक्टेंगुलर क्वाइल ले ली रेक्टेंगुलर क्वाइल को मार्क कर दिया पी क्यू आर एंड एस हो गई रेक्टेंगुलर क्वाइल P, Q, R एंड S. अब देखिए इस रेक्टेंगुलर क्वाइल को हमने सस्पेंड किया टोरोजन हेड एच से बाय यूजिंग द फोस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप और बीच में मीटर एम लगाया ये हमने क्या यूज़ की फोस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप ये क्या है हमारी फोस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है और कहाँ से सस्पेंड किया फ्रॉम टोरोजन हेड एच और बेटा दूसरे एंड पे एक लगाया स्प्रिंग एस एसडेस ये आ गया स्प्रिंग एस एसडेस क्लियर फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था एक स्ट्रॉन्ग और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है बाय यूजिंग कॉन्केव शेप नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये कॉनकेव शेप का नॉर्थ पोल यूज किया कॉनकेव शेप का साउथ पोल यूज किया और ये एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर दिया टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रोंग और रेडियल बनाने के लिए क्लियर फिर क्या है बेटा फिर यहाँ पे हमने टोरोजन हेड एच से जो आपका टोरोजन हेड एच था यहाँ से मैंने टर्मिनल टी वन कनेक्ट किया दिस इज़ द टर्मिनल टी वन और बेटा यहाँ से हमने स्प्रिंग एस डैश से टर्मिनल टी टू कनेक्ट किया स्प्रिंग एस डेस से मैंने कनेक्ट कर दिया ये आपका टर्मिनल हो गया टी टू एंड ऑल दिस अरेंजमेंट इज़ कैरीड आउट इन साइड द बॉक्स और बेटा ये सारी की सारी अरेंजमेंट हमने कहाँ पे कैरीड आउट की बॉक्स के अंदर कैरीड आउट की ऑल दिस अरेंजमेंट इज़ कैरीड आउट इन साइड द बॉक्स आ गया समझ में ये आपका कह सकते हैं डायग्राम है मूविंग क्वाइल गलेवनो का हर एक पॉइंट हरेक स्टेप क्लियर है इसमें से कौन सा स्टेप कौन सी चीज़ क्या है चाहो तो लेवलिंग स्क्रू लगा सकते हैं बिल्कुल लेवल रखने के लिए मान लीजिए हमने ये लगा दिए लेवलिंग स्क्रूज क्लियर ये आपके लेवलिंग स्क्रूज़ हैं इंस्ट्रूमेंट को लेवल रखने के लिए ठीक है तो देखिए डायग्राम बन गया है कंस्ट्रक्शन को रिपीट कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं सबसे पहले क्या था कंसीडर ए रेक्टेंगुलर क्वाइल पी क्यू आर एस किसकी बनी हुई है इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है क्लियर विच इज़ सस्पेंडेड बाय यूजिंग द फोस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप फ्रॉम द टोरोजन हेड एच एट द अनदर एंड स्प्रिंग एसडेस इज कनेक्टेड ए स्ट्रोंग एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज अपलाइड बाई यूजिंग कॉन्केव शेप नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द क्वाइल फ्रॉम द टोरोजन हेड एच वन वी कनेक्ट द टर्मिनल टी वन एंड फ्रॉम द स्प्रिंग एस डेस कनेक्ट द टर्मिनल टी टू एज शोन इन द डायग्राम एंड ऑल दिस अरेजमेंट इज कैरिड आउट इन साइड ए बॉक्स क्लियर अब तीन पॉइंट हैं सबसे पहली बात सस्पेंड करने के लिए फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप का यूज क्यों किया बेटा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप का यूज किया क्योंकि फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप के लिए रेस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होती है फॉर द फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप द रेस्टोरिंग टॉर्क इज मिनिमम सेकंड पॉइंट स्ट्रॉन्ग एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर हाई एंड हाउ दो पॉइंट क्यों और कैसे तो सबसे पहली बात तो कैसे बाई यूजिंग कॉन्केव शेप नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द क्वाइल एंड क्यों ताकि सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग क्वाइल गलवनोमीटर ज़्यादा हो एंड सेकेंड वन पॉइंट क्वाइल प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या रहे जीरो रहे क्लियर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और रेडियल क्यों अप्लाई किया जाता है सो दैट सेंसिटिविटी ऑफ मोविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज एंड सेकेंड वन इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन जीरो क्लियर अब समझिए वर्किंग अब वर्किंग में एक पॉइंट देखिए बेटा वर्किंग में एक पॉइंट क्या है आप कह रहे हो तीन चीजें होनी चाहिए क्वाइल हो करंट हो और मैग्नेटिक फील्ड हो तीन चीजें होनी चाहिए क्वाइल करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो उस टाइम पे आपकी क्वाइल क्या करती है रोटेट करती है उस टाइम पे आपकी क्वाइल क्या करेगी रोटेट करेगी जब तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी अब जरा यहां पे देखें क्वाइल है और मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन करंट तो नहीं है ना तो देखो दो चीजें हैं क्वाइल पहले से है मैग्नेटिक फील्ड पहले से है बस करंट और चाहिए तो बहुत ध्यान से समझें मान लीजिए हमने इस वायर का करंट मेजर करना है तो इस वायर के करंट को मेजर करने के लिए मैं इस वायर को बीच से ब्रेक करके और जो मूविंग क्वाइल गेलवानोमीटर का टर्मिनल टी है और टर्मिनल टी है उसके अक्रोस जोड़ दूंगा क्लियर तो अब जो करंट होगा वो करंट ऑटोमेटिक मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर की क्वाइल में से घूम के जाएगा तो अब क्वाइल भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है करंट भी है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वाइल रोटेट करेगी तो क्लियर हुआ वर्किंग एक बार समझें। वर्किंग में आप क्या बताओगे जिस वायर के अंदर हम करंट मेजर करना चाह रहे हैं उस वायर को टर्मिनल T1 T2 के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाएगा एंड करंट ऑफ द वायर फ्लोज थ्रू द क्वाइल देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल टॉर्क एक्ट ऑन द क्वाइल क्वाइल स्टार्ट रोटेटिंग एंड मीटर एम शोज द रीडिंग एंड बेटा एक प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग क्या होगा क्वाइल लगातार नहीं घूमती रहेगी जैसे ही टॉर्क एक्ट एक करेगा वो क्वाइल घूमेगी और एक पर्टिकुलर लोकेशन जो उसका इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी वहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगी आ, बार मतलब कंटिन्यूसली रोटेट नहीं करती रहेगी इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट uh, यूनिट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट वहाँ पे आएगा एडी करंट एंड एडी करंट की एप्लीकेशंस में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग बाकी फ़िलहाल टाइम हम जस्ट ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रो डंपिंग क्या है वो क्वाइल को स्टेबल बना देती है रेस्ट में कर लेती है तो देखिए वर्किंग रिपीट कर रहा हूँ वर्किंग में क्या होगा द वायर वूज करंट इज टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल टी वन एंड टी टू देन करंट ऑफ द वायर फ्लोज थ्रो द क्वाइल देन अकोर्डिंग टू द प्रिंसिपल टोर्क एक्ट ऑन द क्वाइल क्वाइल स्टार्ट रोटेटिंग एंड मीटर एम शोज द रीडिंग क्लियर एज सुन एज द फ्लो ऑफ करंट इज स्टोप्ड जैसे ही वायर के अंदर करंट का फ्लो स्टॉप होता है स्प्रिंग एस डेस प्रोवाइड द रेस्टोरिंग टोर्क एंड रोटेट बैक क्वाइल टू द इनिशियल पोजिशन एंड रीडिंग ऑफ मीटर एम विल बिकम्स इक्वल टू जीरो क्लियर तो देखो एक बार मैं पांच हेडिंग्स वापिस रिपीट कर रहा हूं पहली हैडिंग है मूविंग क्वाइल गैलवानोमीटर सिंपल बता देंगे इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट दूसरी हेडिंग होगी प्रिंसिपल प्रिंसिपल में ध्यान रखेंगे तीनों कंडीशन हो क्वाइल करंट और मैग्नेटिक फील्ड मतलब वहने करंट कैरिंग क्वाइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन क्वाइल स्टार्ट रोटेटिंग क्लियर वहने करंट कैरिंग क्वाइल देखो करंट कैरिंग क्वाइल हो प्लेस्ड हो मैग्नेटिक फील्ड में तो क्वाइल के ऊपर क्या एक्ट करेगा टोर्क एक्ट करेगा एंड क्वाइल स्टार्ट रोटेटिंग डायग्राम फर्स्ट क्लास साफ बना देंगे कंस्ट्रक्शन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो आपको बेटर लगे कंसिडर ए रेक्टेंगुलर क्वाइल पी क्यू आर एस इज कंसिस्ट ऑफ वी कनेक्ट द स्प्रिंग एसडेस एज शोन इन द डाय स्ट्रॉग एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड बाई यूजिंग द कॉन्केव शेप नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड सॉफ्ट आयरन कोर एज शोन इन द डायग्राम फ्राम द टोरोजन हैड एच कनेक्ट द टर्मिनल टी वन एंड फ्रोम द स्प्रिंग एस डेस कनेक्ट द टर्मिनल टी टू एंड ऑल दिस अरेजमेंट इज कैरिड आउट इन साइड द बॉक्स क्लियर कंस्ट्रक्शन आ गई वर्किंग में क्या बताएंगे द वायर वूज करंट इज टू बी मेजर्ड कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल टी वन एंड टी टू द करेंट ऑफ द वायर फ्लोज थ्रो द क्वाइल दैन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल टोर्क एक्ट ऑन द क्वाइल क्वाइल स्टार्ट रोटेटिंग एंड मीटर एम शोज द रीडिंग एज सुन एज द फ्लो ऑफ करंट इज स्टोप्ड टोर्क विल बिकम्स जीरो एंड नाउ द स्प्रिंग एस डेस प्रोवाइड द रेस्टोरिंग टोर्क एंड रोटेट बैक क्वाइल टू द इनिशियल पोजिशन एंड रीडिंग ऑफ मीटर एम विल बिकम्स इक्वल टू जीरो अब थ्योरी में सुनिए थ्योरी में आप क्या बताओगे नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल नाओ द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो थीटा क्या होगा जीरो एंड अल्फा क्या होगा नाइन्टी ये कल वाले जो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था उसमें से यूज कर रहे हैं एंड देयर फोर टोर्क किसके बराबर होगा एन आई ए बी साइन 90 एंड किसके बराबर हो गया एन आई ए बी के बराबर हो गया यहां पे एन क्या है नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल आई क्या है करंट इन द क्वाइल ए क्या है एरिया ऑफ द क्वाइल एंड बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन द क्वाइल क्लियर फिर रेस्टोरिंग टॉर्क क्या आएगा नाउ रेस्टोरिंग टॉर्क अब एक पॉइंट समझें आपने रेस्टोरिंग फोर्स पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू के वाई या के एक्स के क्या होता है कॉन्स्टेंट और वाई क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और के तो के रहेगा ही तो आप यहां पे क्या बता देंगे रेस्टोरिंग टॉर्क बता देंगे टाओ इज इक्वल टू के थीटा क्लियर दोनों को कंपेयर करेंगे ट इज कंपेयरिंग दीज हमने दोनों को कंपेयर किया तो इस तरह से क्या आ गया एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा आपका एन आई ए बी किसके बराबर आया एन आई ए बी इक्वल टू आया के थीटा के और यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालू तो आई की वैल्यू क्या आएगी के अपॉन एन ए बी इन थीटा और किसके बराबर आएगा आई इज इक्वल टू जी थीटा और यहां पे जी क्या है जी इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी और इसको हम कह देंगे गैलवेनोमीटर कांस्टेंट इसको क्या बताया जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बताया जाता है बेटा यहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल ए क्या है एरिया ऑफ द क्वाइल बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एंड बेटा जो के है ना ये के आपके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप के लिए और के की वैल्यू मिनिमम होती है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के लिए और इसीलिए मैंने ये स्ट्रिप किसकी यूज़ की थी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रिप यूज़ की थी तो क्लियर हुआ यहाँ तक कितनी हेडिंग हो गई मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल डायग्राम कंस्ट्रक्शन हाँ कंस्ट्रक्शन अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे जो आप लिखना चाहेंगे वर्किंग अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे समझ में आ गया होगा क्या है कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी वाला पॉइंट क्लियर हो गया अब उसके बाद समझिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट एक होता है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी अब देखिए इसी में नेक्स्ट आ रहा है इसी टॉपिक में है कंटिन्यूटी में एक है आपका करंट सेंसिटिविटी और एक है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं यहीं से दैट इज करंट सेंसिटिविटी टॉपिक है दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर और इसको हम बोल देते हैं पहला आएगा करंट सेंसिटिविटी अब देखिए करंट सेंसिटिविटी के बारे में क्या बताएंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या है यहां पे हम थीटा बोल सकते हैं द एंगल विद विच द क्वाइल रोटेट्स क्वाइल जितने एंगल से रोटेट करेगी वो मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपकी क्वाइल का मतलब करंट सेंसिटिविटी को जनरली आई एस से डिनोट करते हैं और किसके बराबर होती है टोटल डिफ्लेक्शन अपॉन टोटल करंट मान लीजिए आपने यहाँ पे इसमें करंट फ्लो किया टेन एम्पियर और आपकी क्वाइल जितने एंगल से रोटेट कर गई उसको डिवाइडेड बाय टेन कर देंगे तो इसलिए करंट सेंसिटिविटी बताई जाती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी तो करंट सेंसिटिविटी क्या बताओगे इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी और जनरली आई एस से डिनोट करेंगे और क्या आएगा थीटा बाई आई आएगा और इसलिए इसकी मेजरिंग यूनिट क्या आएगी रेडियन पर एम्पियर या बोलेंगे डिवीजन पर एम्पियर क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मेजरिंग यूनिट रेडियन है और ए एम्पियर आ गया अब देखो आप यहाँ पे चाहो तो थीटा की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी एन ए बी आई यहाँ से देखो एन आई ए बी और के डिवाइड में आ जाएगा तो देखो मैं थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी थीटा की वैल्यू आई एन आई ए बी ओवर के आई है आई से आई कैंसिल हो गया और इस तरह से आपकी करंट सेंसिटिविटी आ गई एन ए बी ओवर के क्लियर इसी तरह अगर मैं बात करूं वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बताएंगे इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को मान लो मैं वी एस से लिख देता हूं डिफ्लेक्शन टोटल रोटेशन कितना हुआ और टोटल वोल्टेज कितनी अप्लाई हुई उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज और मेजरिंग यूनिट रेडियन तो है ही और क्या आएगा रेडियन पर वोल्ट या बोल देंगे डिवीजन पर वोल्ट क्लियर हो जाएगा तो क्या बता देंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज नॉन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी अब सेम बेटा यहां पे भी मैं किसकी वैल्यू रख सकता हूं यहां पे भी मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा तो देखना थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा एन आई ए बी ओवर के और अपॉन क्या आ जाएगा वी ये वोल्टेज सेंसिटिविटी आई और इस पॉइंट को समझना बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप लिख सकते हैं दैट इज एन ए बी ओवर के और इनटू आ जाएगा आर अब ये समझिए ये, ये क्या आया बेटा आई बाई वी ला के अकॉर्डिंग आर हो गया और आर यहां पे क्या है आर है रजिस्टेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर क्वाई आर यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर क्वाइल है आर क्लियर और अब देखिए अगर मैं यहाँ से आर को छोड़ दूँ तो ये आई एस की वैल्यू है और इस तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में भी रिलेशन होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्लियर तो देखो एक पॉइंट आप ध्यान रखें काफी सारे पॉइंट हैं फिगर ऑफ मेरिट भी आएगा इसके बारे में बट आप यहाँ तक ये छः सात हेडिंग याद रखेंगे मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल डायग्राम कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्लियर बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा थैंक यू